दो इंजेक्शन लगा तुमको लल्लू गंदा किरनी का। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी बजा है 9, तो जस्ट वोक अप और अभी थोड़ा रूम साफ कर रही थी, फिर एक बहुत ही अनोइंग चीज़ दिखी। आपको दिखाती हूँ क्या। देखिए, ये कब से, एक हफ्ते से ये बॉडी लोशन सब खत्म हो चुके हैं। इतनी बार कॉन्स्टफ को बोला है कि इसको फेंक देने, मतलब मैं तब बिजी थी, लेकिन ये तब से वहीं पड़े हैं और मैंने चेक नहीं किया था, मुझे लगा वो फेंक दिया होगा और अभी जस्ट देखा तो वो वहीं पे पड़ा हुआ है। यस, देखो तुमने ये सब नहीं फेंका था। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। क्या तुम खाली बॉटल का बिजनेस करने वाले हो? नहीं, मैं सोच रहा था उसमें पानी दूंगा, पानी डाल के। हाँ, देखती हूँ मेरे प्लांट्स कैसे हैं। अभी ये एकदम मर चुका था गाइस, लेकिन अभी देखो फिर से इसमें फूल आ गए हैं। आई एम सो हैप्पी। अरे वाला नहीं, दूसरा वाला। ओप्स। बट हाँ, एक्चुअली इसमें एक भी फूल नहीं था, मुझे तो लगा था ये मर जाएगा, लेकिन हम लोगों ने फिर, हाँ, पत्ता भी नहीं था, लेकिन अभी इसमें सब कुछ आ गया है। हाय गाइस, तो हमारा लंच हो चुका है, उसके बाद हम ये विंटर्स जाने की लास्ट धूप में थोड़ा चिल कर रहे हैं और ये धूप काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा गर्मी आता है ना कि भयानक गर्मी, जब धूप वूप कुछ अच्छी नहीं लगती है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा चिल करेंगे। तो गाइस, अभी बजा है 5 और आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं वहाँ जाके। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं, देखते हैं ब्राउनी क्या करती है, वो तो पूरा एक्साइटेड हो जाती है। कौस्तव स्कूटी पार्क कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ अंदर, आपको दिखाती हूँ ब्राउनी का रिएक्शन। ब्राउनी हाँ, देखा तू तो कैसे, इंजेक्शन दो इंजेक्शन लगा तुमको लल्लू गंदा किरनी का। इसको दो इंजेक्शन लगा इसलिए तुम उसको रेस्ट। ये देखो, आ गए हमारी चाय, वहाँ पे है बिस्किट, वहाँ पे है एडी, यहाँ पे है मेरी बीवी जो कर रही है PNPC अपनी बहन के साथ। गाइस, हम अभी फिर से जा रहे हैं मार्केट प्लेस, थोड़ा कुछ सामान लेना है। तो पिछले कुछ दिनों से हम डेली हर रोज जा रहे हैं मार्केट, कभी, हाँ, ये प्रॉब्लम रहता है, हर घर में यही प्रॉब्लम रहता है। आप लोग भी शायद रिलेट कर पाओगे कि एक टाइम पे सब चीज़ों का नाम कोई नहीं बोलता है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो हम लोगों को निकलना पड़ता है हर चीज़ हर दिन। तो गाइज, हम अभी शॉपिंग करके आ गए हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या शॉपिंग किया। यहाँ पे चावल, यहाँ पे धनिया पत्ता और कुछ सब्जी, और यहाँ पे बाकी जंक। हम तो ऐसे, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं कुछ और खरीद के लाते हैं। और यहाँ पे तो स्टार्ट कर दिए। हाँ, क्या कर रही हूँ? आलू बॉईल करके रख लेती हूँ ना, फिर खाते टाइम आलू चोखा बनाएंगे। आलू चोखा मैं बनाऊंगा आज। ओ वाओ, यस, ये मेरी रेसिपी है। और यहाँ पे पहले से चावल डाला हुआ है, तो ये बन रहा है। Mean dog. क्या कर रही हो तुम? आलू छील रही हूँ, तुमको छील कर सब दे रही हूँ। इतने दिनों से हम बाहर का खा रहे हैं, बहुत हेवी खा रहे हैं, तो आज हम सारा दिन एकदम सिंपल खाना खाएंगे। और ये खाना मैं हर रोज़ खा सकती हूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है, दाल भात आलू चोखा।
कौस्तव का आलू चोखा बना है कि नहीं। बन गया? तो अभी हम डिनर करने वाले हैं। हम लोग जल्दी डिनर करते हैं, मम्मी लोग लेट से करती हैं, क्योंकि मम्मी लोग इवनिंग मील कर लेती हैं, हम लोग इवनिंग मील स्किप कर देते हैं। तो आज हम एकदम सिंपल खाना खा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, राइस, दाल, ऑमलेट और आलू। ये मेरी फेवरेट है क्योंकि ये बहुत लाइट है, स्लाइट ऑन द स्टमक, और कल के बाद तो ये इसकी जरूरत भी थी। हाँ, कल बहुत हेवी खा लिया था। ब्राउनी अभी मेरे पास आके सो गई है, और जब ब्राउनी ऐसे आती है तो मुझे बहुत पसंद है कि वो बस मुझे ही अटेंशन दे और किसी को नहीं। दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, आज उसको इंजेक्शन लगा है ना, इसलिए आज वो मेरे पास आके बैठ रही है। क्या हुआ पूछू का? ब्राउनी, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, बाय बोलो। बाय, हम जा रहे हैं। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं घर, हमारा डिनर हो चुका है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। बाय बोल दो। बाय।